आज का ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP केंद्र खोलना चाहते हैं, यानी जो एयरटेल पेमेंट बैंक का BC एजेंट बनना चाहते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP खोलकर आप महीनों कितनी कमाई कर सकते हैं। तो आप इसमें महीनों की एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं और आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं या फिर दोस्तों आप शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी सर्विस काफ़ी अच्छी तरह चल जाएगी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे खोल सकते हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करने को मिलता है, साथ ही इसको काम करने से आप महीने में कितना कमा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में आप BC एजेंट बनने से आपको, यानी CSP खोलने से आपको क्या क्या करने को मिलता है। तो आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं। AEPS यानी अर्थ पे प्रोग्रेस, यानी आप पैसे को ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप DMT कर सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहां से किसी भी प्रकार का बिल हो आप यहां से बिल पे कर सकते हैं, चाहे आपके यहां से बिजली का बिल हो या वाटर का बिल हो, कोई भी बिल हो आप यहां से बिल पे कर सकते हैं। आप मोटर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे 3 व्हीलर इंश्योरेंस हो, चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे 2 व्हीलर का हो, किसी भी व्हीलर का आप यहां से किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। किसी भी शॉप का इंश्योरेंस कर सकते हैं, अगर कोई शॉप का इंश्योरेंस कराना तो आप यहां से शॉप का इंश्योरेंस कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी का इंश्योरेंस भी आप यहां से कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है इसमें कितना पैसा लगेगा, यानी कॉस्ट स्टार्ट करने के लिए आप कितना पैसा लगेगा। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप इसका CSP ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें आपको प्रूफ, आप एक ID कार्ड लगेगा आपको, इसमें सिर्फ आपको आधार वहाँ से आप सॉरी उसमें आप पैन कार्ड दे सकते हैं। फिर आपको इसमें लगेगा प्रूफ आप एड्रेस, इसमें से आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा और राउंड स्टम्प लगेगा। आप जिस भी शॉप में खोलना चाहते हैं उस शॉप को आप कैसे राउंड स्टम्प देना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो लास्ट सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन कैसे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आप इसमें से आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है आपको, अगर आपके पास लॉपो सिम है तो आप यहाँ से अपनी इसमें से आपका CPCS खोल सकते हैं, आप उसका BC एजेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां से लापो सिम क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो लापो सिम और दोस्तों ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा मिलता है, आप उनसे लापो सिम कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। आप ज़्यादा लापो सिम के बारे में कैसे मिलता है पूरी जानकारी चाहिए तो आप इसे YouTube में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपके यहाँ से एक मित्रा नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जैसे आप यहाँ से सर्च बार में टाइप करेंगे मित्रा तो आपके पास कुछ तरीके से एप्लीकेशन खुल के आएगा, आपके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपके पास कुछ तरीके से परमिशन ओपन होकर आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास कुछ तरीके से एजेंट फेस खुलेगा। दोस्तों अगर आप इसमें से लापो सिम है तो आपके पास खाली एक ही ऑप्शन मिलेगा एयरटेल मित्रा का, लेकिन अगर आपके पास लापो सिम है तो आपके यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक का एक और ऑप्शन मिल जाता है। इस अगर इसमें पहली बार विजिट करें तो आपके यहाँ से लिखना BN एजेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे उस ऑप्शन में क्लिक करेंगे फ्रेंड इसके बाद आपके यहाँ से अपना एक लापो नंबर दे देना है। लापो नंबर देने के बाद आपके यहाँ से इस नंबर OTP आएगा, गेट OTP वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपके इस नंबर को OTP आएगा, OTP को यहाँ से पुट कर देना, फिर आपको इस प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके पास किस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ से दोस्तों आप किसकी टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ से आधार नंबर या वर्चुअल ID नंबर डाल देना है। वर्चुअल ID नंबर डालने के बाद फ्रेंड अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड कर देंगे तो आपको यहाँ से पैन कार्ड का नंबर आएगा। पैन कार्ड का नंबर देने के बाद दोस्तों आपको इसे इसमें डिवाइस इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड आपके पास कुछ प्रकार से आएगा, जैसे आप यहाँ से अपना फिंगर डिवाइस लगा कर फिंगर लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से फ्रेंड ये वेरीफाई हो रहा है, यहाँ से आपको 40-45 सेकंड का समय लगता है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपके पास इस तरीके से पूरा रिटेलर की जानकारी आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से नाम मिल जाएगा, यहाँ से जेंडर मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, सन ऑफ सेंस मिल जाएगा किसका है। आप यहाँ से दोस्तों आपको एक ईमेल ID देना होगा, अपने यहाँ से अपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ से टाइप करना है दोस्तों, फिर इसके बाद आपको यहाँ से इसकी टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डालना है, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डाल के आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ से इसके एसोसिएट में डाल के आप यहाँ से इसे नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से नाम मिल जाएगा, नाम देख सकते हैं, मोबाइल नंबर दे दिया जाए, जेंडर दे दिया जाएगा, पूरी यहाँ से रिटेलर की और अनबोर्डिंग आपको पूरी मिल जाएगी, पैन कार्ड का नंबर, शॉप का नाम क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, शॉप का एड्रेस क्या है, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से वेरीफाइड डिटेल यहाँ से आपको इस वाले ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आएगा, आप किसकी तरह एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ से अपने डिवाइस को फिर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड आपके पास कुछ तरीके से आएगा, आपके यहाँ से लिखा है प्लीज़ पुट योर फिंगर्स, आपको यहाँ से अपने फिंगर्स को पिट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। फिर वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड आपके पास इस तरीके से आएगा, जो वेरीफाइड हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ से इसे प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपके पास कुछ तरीके जाएगा, यहाँ से लिखा है ओपन एन अकाउंट, देख सकते हैं आपके अकाउंट ओपन हो चुका है, कंग्रेचुलेशन। यहाँ से लिखा है थैंक यू फॉर द रजिस्टर्ड रिटेलर, योर प्रोफाइल इज द अंडर प्रोसीड लॉग इन इन्फॉर्मेशन विल बी द स्टार्टेड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप किस मोबाइल नंबर पर, दोस्तों मैंने इसको ब्लर कर दिया, इस नंबर पर आपको यहाँ से योर शेयर कर दिया जाएगा। इसमें से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से 48 घंटे तक का समय लग जाता है इसके आपको यहाँ से रजिस्टर्ड होने में। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो एक दो दिन का समय मिलता है, लग जाता है, इसके बाद आपका वेरीफाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसकी CSP मिल जाएगी, फिर दोस्तों आप इसके CSP के अंदर खोल सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी पूरी प्रोसेस कैसे आप इसको CSP के अंदर खोल सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इनको कन्फ्यूजन था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक किसी और पर क्लिक कीजिएगा, जिसको हम जितने भी यूज़ पर नॉलेजबल कंटेंट आपके रोजाना आता रहता है सब आप तक पहुँचता रहेगा। मैं जल्द मिलूंगा नए वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।